सूचना आपके भीतर है आध्यात्मिक जगत के बारे में, या आपके उन्नति के बीच में अगर कुछ आ रहा हो तो आप बेझिझक हमें सवाल पूछ सकते हैं। मैं स्वयं आपकी सवालों का, प्रश्नों का जवाब दूंगा आने वाले वीडियोस में। कुछ भी आपको लगता है कि आपको जानना है, हम जरूर आपको बताएंगे। ऐसा बहुत कुछ है जो आप तक पूरी तरह से पहुंचा नहीं है, जो गुरु के माध्यम से अपने शिष्य तक पहुंचता है, या कुछ ज्ञान जो है वो बुक्स में नहीं है, पुस्तकों में नहीं है। हम आपके अवस्था के अनुसार आपको जरूर बताएंगे। बस हम यही अपेक्षा करते हैं कि आप परिवर्तन करें अपने भीतर, और आपके द्वारा आसपास के समाज में, लोगों में भी वो परिवर्तन आए। कभी कभी हम ये सोच आती है हमें कि जैसे ये जो दुनिया है, जो स्वार्थी है, या बहुत क्रूर लोग हैं, या बहुत परेशानी है, लोग एक दूसरे से छीनना चाह रहे हैं, तो ऐसी दुनिया में अगर जीना है तो क्या हमें उनके जैसे बनना होगा? और मुझे ऐसा लगा कि मुझे उस तरह से स्वार्थी बनकर दुनिया में उनके जैसा नहीं बनना है। ये पहला विचार मेरे भीतर आया। तो मुझे ये बाद में लगा कि उससे अच्छा ये हो कि मैं वो सपना देखूं और उसके लिए काम करूं जिसमें पूरे विश्व को मैं एक परिवार के रूप में देख पाऊं, और उस सपने के लिए मैं काम कर रहा हूं, और उससे मुझे लगता है कि मेरा जीवन सार्थक हो जाता है। मुझे अच्छा लगता है कि मैं कुछ ऐसी चीज कर रहा हूं कि जिससे मेरे अंदर मुझे खुशी और आनंद का अनुभव होता है। मैं नहीं करना चाहूंगा वो काम जिससे मुझे तकलीफ हो या समाज को तकलीफ हो। स्वार्थ से कभी भी हमें वो बड़ी चीज प्राप्त नहीं होगी। तो अगर आपको भी ऐसे लगता है आपके भीतर, तो आप आगे आइए और बढ़ के इसमें भाग ले सकते हो सीधे तौर पे, या एक पार्टिसिपेंट बन के भी आप इसका अनुभव आपके भीतर, अपनी जिंदगी में, आपके आसपास के जो प्रदेश है, सोसाइटी है, समाज है, उनमें भी आप देख सकते हो होते हुए। और आज मैं ये भी कहूंगा इसी समय कि मैं जितने भी हमारे आध्यात्मिक गुरु हैं जो सभी को सिखाते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान देते हैं, उन सबसे भी हमारा विनम्र निवेदन है कि वो अपने लोगों को परिवर्तन के बारे में सिखाएं, उनको मार्गदर्शन करें और उन्हें प्रेरित करें कि एक नई अच्छी दुनिया बनाएं जहां पर प्रेम हो, शांति हो। और उनसे मैं ये भी कहना चाहूंगा कि अगर आपको लगता है कि आप हमारी कुछ मदद कर सकते हो तो प्लीज कीजिए, हम आपकी मदद स्वीकारने के लिए तैयार हैं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं, तो प्लीज आप कृपया करके वो भी कह सकते हैं, हम उसके लिए भी तैयार हैं। हमारे भीतर बस एक सपना है जिसमें हम पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखकर उसमें शांति और आनंद को स्थापित कर पाए। हम सभी मिलके एक बेहतर दुनिया बना सकते हैं। ये विश्वास आप सभी अपने भीतर रखिए। हमारे पास कुछ समय है जिससे कि हम कुछ कर सकते हैं। ये नहीं हो कि प्यास लग रही है और उसके बाद हम कुआं बनाना शुरू करें कि नहीं अभी प्यास लग रही है, या ऐसा न हो। कुछ समय है और 7 से 8 साल के समय में हमें वो पूर्ण करना है। अब देखिए, अज्ञानता जो है, अज्ञानता सीधे तौर पे असर डालती है आसपास के वातावरण के ऊपर। जो भी हलचल आप देखते हो आसपास के वातावरण में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके अज्ञानता के वजह से होता है। अज्ञान की अवस्था में रहते हुए हमें नहीं समझ में आता सही क्या और गलत क्या है।
और उसका फल जो होता है वो कभी भी आपको प्रगति के पथ पे लेके नहीं जाता है, बल्कि पतन की ओर लेके जाता है। तो आप सभी समझ जाइए आज कि हमें सत्य की ओर बढ़ना है, और हम जो सीखे हैं या जो सिखाते हैं वो सत्य, धर्म और न्याय, इन तीन अंगों के साथ ही हम सीखते सीखते आगे बढ़े हैं। क्या आप आपकी जिंदगी में सत्य, धर्म और न्याय का पालन कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? आपके भीतर सद्गुणों का विकास करना ये बहुत आपके लिए जरूरी है, सभी के लिए। ये छोटी चीजें हैं पर बहुत ज्यादा आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकती है। अंत में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा हाथ जोड़कर कि मैं बस एक सेवक हूं, एक दोस्त हूं आपका। हम आपसे और कुछ अपेक्षा नहीं करते हैं, दिल से कुछ मदद करना चाहते हैं। आप हमारे इस निवेदन को ठीक से समझे और एक बार भीतर जाके अपने आप से पूछिए कि आपको क्या करना है आपकी जिंदगी के लिए। बहुत हो गया अभी तक, जो पिछला हो गया वो हो गया, आज के बाद आप आपकी जिंदगी में क्या करोगे ये आप सोचिए और तुरंत एक एक्शन लीजिए, एक कदम बढ़ाए। आप सभी को मदद मिलेगी अच्छे काम करने के लिए, जिससे आपका भला होता है, समाज का भला होता है, उसके लिए आप सभी को मदद पहुंचेगी। अगर आपको लगता है कि हम आपके लिए कुछ कर सकते हैं तो आप हमें जरूर पूछ सकते हैं, हम आपके साथ हैं। हम सभी मिलके एक फिर से एक नई दुनिया को बनाएं, अच्छे समाज को बनाएं, अच्छे लोगों को बनाए, इस धरती मां को फिर से हम शुद्ध बनाए। क्या हम सब मिलके इसके लिए काम नहीं कर सकते? मैं तैयार हूं, मैं कर रहा हूं, हम सभी कर रहे हैं, आप भी कीजिए। और उसके लिए आप सभी को हमारी तरफ से आशीर्वाद, प्रेम। मैं फिर से आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, जहां पर आप ही के कुछ प्रश्नों का मैं उत्तर दूंगा, और ऐसे हम एक एक कदम बढ़ाते हुए, धीरे धीरे जाते हुए इस आध्यात्मिक परिवर्तन को हमारे भीतर अनुभव कर पाए। आप सभी का दिल से धन्यवाद, आप सभी का मंगल हो। आप जो चाहे वो आपको मिले, आपका कल्याण हो, आपके परिवार का कल्याण हो और समाज का कल्याण हो, यही हम आशा रखते हैं और आप सभी को आशीर्वाद देते हैं। आप सभी को हमारा प्रेम। नमस्ते।